नमस्कार दोस्तों, मैं स्पेलर साहिब। आप देख रहे हैं हमारा जो भी लाइव कंटेंट है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ खास खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। अनियंत कार ने कुचला। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की रोड पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक अनियंत कार ने कई लोगों को एक बार में एक करके कुचल दिया, फिर मौके से फरार होने लगा। लोगों की चीख पुकार से सुन रोड पर चल रहे पब्लिक ने कार सवार को पकड़ने की कोशिश की तो कार चालक के छोड़कर भाग गए, लेकिन कार के बैठे दो लोगों को पब्लिक ने पकड़ जमकर धोना और कार में भी जमकर तोड़फोड़ की। कार का सवार युवकों को धन्यवाद पुलिस के अपने साथ लेकर थाने ले गए और पीड़ित के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस के पब्लिक के मदद के घायलों के जिलाधिकारी पहुंचाया गया, जिन घायलों के इलाज जारी। सीओ सिटी हरीश भदौरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि बताया कि जिलाधिकारी में पास होंडा सिटी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो तीन लोग घायल हो गए। गाड़ी की घेरा लिया और उसके साथ मारपीट करने लगे। स्थानीय पुलिस आरोपी PRV पहुंचकर बहुत ही बड़ी घटना होने से बचाया। उन्होंने उन दोनों को भीड़ के जंगल से निकालते हुए घायलों को पुलिस द्वारा लगाया गया, जिनके एक्सीडेंट गया उनसे तहरीर कर लेकर मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें दो गिरफ्तार हैं, हरीश भदौरिया सीओ सिटी मुजफ्फरनगर। जिला चिकित्सालय के पास एक होंडा सिटी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो तीन लोग घायल हैं। आक्रोशित भीड़ ने उस गाड़ी को घेर लिया और उसके साथ मारपिटाई करने लगे। स्थानीय पुलिस PRV मौके पर पहुंचकर बहुत बड़ी घटना होने से बचाया उन्होंने और उन दोनों को उन भीड़ से आक्रोश से निकालते हुए पुलिस द्वारा उनको जिला चिकित्सालय लाया गया। जिनका एक्सीडेंट किया है उनसे तहरीर लेकर मुकदमा कायम कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दो सारे